आज हम आप लोगों के साथ आंवला के अचार का रेसिपी शेयर करे जाते हैं अपनी भाषा भोजपुरी में। तो ये अचार के आप साल भर के लिए बना के रख सकेला, साल भर ही खराब ना होला और खाए में बड़ा स्वादिष्ट लगेला। हम लोग के यहाँ एक आंवला बोलल जाला, बहुत जगह एक आंवड़ा बोलल जाला और ये अचार अक्सर होटल और ढाबे में खाए के मिल जाला। तो यहाँ पर 700 ग्राम के लगभग आंवला है। ये आंवला के साफ पानी से धो के थोड़ा सा सुखा लेवे के है और सुखाए के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है एक ही सबसे पहले काट के निकाल लेवे के है और उसके बाद एक दो भाग में या फिर आपका इच्छा होगा तो चार भाग में काट लेवे के है। तो यहाँ पर सब आंवला कट के तैयार हो गया, बिल्कुल इस तरह से पूरा आंवला के काट लेवे के है और एक अच्छी धूप में 2 से 3 घंटा तक सुखा लेवे के है। तो जब तक हम लोग का आंवला सूख के तैयार होता तब तक मसाला तैयार कर लेवे के है। तो मसाला तैयार करने के लिए मध्यम आँच पर कढ़ाई के रख दें गर्म होके के लिए, और जब भी कढ़ाई हल्की गर्म हो जाए तब में आधी छोटी चम्मच मेथी का दाना डाल के हल्का सा भून लें, और जब हल्की मेथी भून जाए तो में 2 छोटा चम्मच पहले जीरा डाल दें और उसके बाद 2 छोटा चम्मच सौंफ डाल के हल्का सा भून लें। और जब आपका ये मोटा मसाला मेथी जीरा और सौंफ हल्का सा भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर 1 छोटा चम्मच अजवाइन और 1 छोटा चम्मच मंगरेल डाल के भी ये मसाला के हल्की आँच पर भून लेवे के है। तो मसाला आगे पीछे हम इसलिए भूनेला कि जो मोटा मसाला रहला वो जल्दी ना भून के तैयार होला और जो महीन मसाला रहला वो जले लगेला एक साथ भूनने पर। और यदि आपके धनिया का स्वाद पसंद होगा तो यहाँ पर 2 छोटा चम्मच धनिया भी आप डाल के भून सकेला, लेकिन हमके धनिया का स्वाद ना पसंद है इसलिए हम मसाला में धनिया का इस्तेमाल ना करेला। तो अब यहाँ पर मसाला भून के तैयार हो गया, गैस के बंद कर देवे के मसाला के ठंडा होके के लिए रख देवे के। तो जैसे ही मसाला ठंडा हो जाए ये मसाला में 1 छोटा चम्मच सरसों का दाना मिला के दरदरा पीस के तैयार कर लेवे के है। और यहाँ पर थोड़ी सा लाल मिर्च है एक भी मिक्सी के जार में पीस लेवे के है। तो तीखा आप अपने पसंद के अनुसार रखें। और यहाँ पर सरसों का तेल है एक हल्का सा गर्म कर लेवे के है। और यहाँ पर धूप दिखाए के बाद आंवला कुछ इस तरह से बन के तैयार भल है। ये आंवला अच्छी तरह से सूख गल है, में का पानी अच्छी तरह से सूख गल है। अब ये आंवला से अचार बना लेवे के है। तो ये आंवला के एक बड़े बर्तन में पलट लें और उसके बाद जौन मसाला पीस के तैयार भल है ओके सबसे पहले हमें डालें। मसाला डाले के बाद यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। हल्दी पाउडर डाले के बाद यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। तो नमक जितना आप खाई ला उसे थोड़ा सा चटक डालें, कैसे कि अचार में थोड़ा चटक नमक ही अच्छा लगेला और नमक से अचार जल्दी गल भी जाला। तो यहाँ पर अब 2 चुटकी के करीब हींग डाल दें। हींग डाले से अचार का स्वाद बहुत बढ़िया आवेला। और यहाँ पर जो लाल मिर्च पीस के तैयार हो लिया लाल मिर्च की भी इमें डाल देवे के है। तो अब यहाँ पर ये हल्के गर्म सरसों के तेल के अचार में डाल के बढ़िया से मिला लेवे के है। तो अचार में जब ये तेल डालें तो हल्का गर्म रहे के चाहिए, इसी हल्के गर्म तेल के अचार में बढ़िया से डाल के मिला लें तो आपका अचार खराब ना हो और जल्दी गल जाए। और किसी भी प्रकार का आप अचार बनाओ थे तो हमें सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, सरसों के तेल से आपका अचार एकदम बढ़िया और स्वादिष्ट बनी। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं अचार में मसाला अच्छी तरह से मिल गया। अब ये अचार के शीशा के बॉटल में रख देवे के है। तो ये शीशा के बॉटल में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें और ये अचार में अच्छी तरह से मसाला के मिला के ये बॉटल में भर लें। शीशा के बॉटल में अचार रखे से अचार जल्दी ख़राब ना होला। और अचार निकाले के समय ध्यान देवे के है एकदम सूखा चम्मच से निकाले के है और बिल्कुल भी गीला हाथ अचार में ना लगावे के है। यदि इस तरह से आप अचार रखब तो आपका अचार साल भर तक ना खराब हो और खाए में भी एकदम स्वादिष्ट रहे। तो जब भी शीशा का बॉटल पूरा तरह से भर जाए देखिए थोड़ा सा साफ सुथरी कपड़ा से ऊपर से ढक के और 2 से 3 दिन तक थोड़ा धूप दिखा दें। और धूप दिखाने के बाद ये अचार के आप 1 हफ्ता के बाद खा सकेला, खायलाक हो जाए और साल भर तक ना खराब हो। कभी कभी अचार बनाए के बाद गीला हाथ लगे के कारण या फिर किसी भी कारणवश अचार खराब होके लगेला, तो यदि आपका अचार कभी खराब होके लगे तो हमें 2 से 3 ढक्कन तक सिरका मिला दें, चाहे बाजार वाला चाहे घर वाला बनल, तो आपका अचार खराब ना हो साल भर तक सुरक्षित रहे। तो ये अचार आप लोगों का कुछ इस प्रकार से बनके तैयार हुई। तो यदि ये वीडियो आप लोगों के अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी न भूलें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे और भी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।